Assalamualaikum पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब? जी हाँ, आप लोग देख रहे थे वन एंड ओनली इंस्टा शो विथ मी मतीरा। जी हाँ, संडे कैसे गुजर रहा है, क्या कर रहा है? हफ्ते में अब ऑफकोर्स एक थकन होती है और वो थकन सिर्फ सैटरडे संडे को ही उतरती है। और बहुत दफ़ा ये होता है कि लोग अपना सैटरडे संडे कहीं बाहर भी नहीं जाना चाहते, बस कम्बल हो, रज़ाई हो और एक रिमोट हो और बस बहुत सारा खाना हो और वही एक परफेक्ट वीकेंड होता है। बट एनीवेज, जब हम बात करते हैं रिमोट की तो ऑफकोर्स शोज़ भी बड़े अच्छे अच्छे होने चाहिए। इसीलिए ऑफकोर्स हमारे जो आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत ही प्यारे हैं, शादीशुदा है और रब ने बना दी जोड़ी, उनके लिए ये टाइटल है, बहुत ही स्वीट से हैं। सो यस, वी हैव द वन एंड ओनली इफ्रा एंड अली। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक। क्या हो रहा है? बैठे 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 क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? अभी कुछ नहीं है, मैं आपको बहुत कुछ खिलाऊंगी बातों में। बट एनीवेज, कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। क्या चल रहा है? शादी कितना टाइम हुआ? शादी 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए। ओह माय गॉड, लव मैरिज, अरेंज मैरिज? अरेंज। कैसे लग नहीं रहा ना देख के? नहीं नहीं, प्यार तो हो ही जाता है रिश्ते वाले आंटी के थ्रू। ओह नाइस, तो अभी तो प्यार है ना? हाँ, मैं घबरा जाती हूँ जब चार बच्चे होते हैं और बात ये आती है प्यार अभी तक हुआ नहीं, क्या हुआ है कि प्यार नहीं? मुझे बताए प्यार क्या है आप दोनों के नजरिए में? प्यार ही होना चाहिए, एक दूसरे को अच्छे से समझते हो, अंडरस्टैंडिंग हो और सपोर्टिव बहुत हो, फ्रेंडशिप बहुत जरूरी है। टिकटॉक पर आप दोनों हैं? Yeah. अब मैं भी हो गया हूँ, पहले से भी थी। तुम नहीं थे टिकटॉक पे? मैं नहीं था बिल्कुल, इफ्रा थी टिकटॉक पे भी, थी सोशल मीडिया वर्क पे थी। uh-huh. इनके उस पे फिर मैं भी अब कैसे आ गया, खुद लग गया। आपने बोला मेरी एक आंख तो होनी चाहिए, वो हो क्या रहा है जो वहाँ होता है? तो कभी ऐसा होता है कि बेगम सुबह सुबह स्लो मोशन में चल रही हो? बहुत दफा होता है, एक दफा नहीं, बहुत दफा सुबह सुबह होता है। कैसे? अक्सर वीडियोस बन रही होती हैं और आंख खुली और एक स्लो मोशन वाली हरकत हो रही है। मुझे उठा देने अली, उठ जाओ, सनलाइट निकल जाएगी, वीडियो बना दी। सनलाइट का इशू बहुत होता है ना। हाँ। सनलाइट निकल जाएगी, ये सब कवर करना है पूरा शो, ये वो जो भी वीडियोस हैं। वाह वाह वाह, आपने कभी ये बोला तुम सूरज को चुनो या मुझे, कभी ये हुआ? नहीं, क्यों? मैं सपोर्ट करता हूँ। आप बोलते हैं सूरज, मैं भी आ रहा हूँ। चलो, कोई नहीं उठते हैं। ओके, तो कब से टिकटॉक पर है आप? तो आई एम श्योर 8 महीने हुए होंगे आपको। हाँ, अभी तो आप बेबी हो। तुम कितनी पुरानी हो? मैं 3 साल से हूँ। 3 साल से? हाँ, ये लॉ। और कितने फॉलोअर्स है अभी? अभी मेरा अकाउंट एक्चुअली हैक हो गया था, तो अभी मेरे 800 के हैं। ओके, हैक कैसे करते हैं, क्यों करते पता नहीं, हो गया था बस। इनसे मेरी एंगेजमेंट हुई, मुझे तो लगता है इन्होंने करवाया किसी के थ्रू। अली ने मेरा अकाउंट हैक करवाया, मैं क्यों करवाऊंगा? इन्होंने मना नहीं किया था, लेकिन ना इनकी बात ही हुआ, उससे पहले मेरे 2 साल से चल रहा था अकाउंट। जिंदगी में आते हैं, इनकी पुरानी आईडी हैक हुई है, अब नई आईडी पे। हाँ, शायद इनके आते खुद बखुद हो गई वो। ओके, चलो, हैकर को कुछ बोलना चाहोगी? तुम्हारी तो टोट 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 कुछ ऐसा। हैकर ने बहुत गलत किया, अगर वो नहीं होता ना तो मेरा अकाउंट आज बहुत अच्छा होता। बट कितना अच्छा होता? 2-3 मिलियन होते होंगे, क्योंकि उसमें भी इतने ही थे। कोई बात नहीं यार, हैकर आपने कोई लिंक तो नहीं प्रेस कर ली? हाँ, वो एक होता है ना, फ्री आईफोन आपको मिलेगा, इस लिंक पर उंगली करें, फिर उसके बाद आप जैसी उंगली हो जाती है आप आईफोन नहीं इस्तेमाल कर सकते। पहली मुलाकात कब हुई, कैसे हुई? पहली मुलाकात रिश्ते वाली आंटी ने मोबाइल की गैलरी में हुई थी। पिक्चर दिखाई, कौन सी तस्वीर इनकी तरफ गई थी? मुझे तो याद है कौन सी पिक्चर आई थी। कौन सी बता? डेनिम की जैकेट पहनी हुई थी और गाड़ी में बैठी हुई, वो पिक्चर में पता वो। और इनकी कोई बोनस नहीं मिलता और बस डिडक्शन डिडक्शन डिडक्शन। पिक्चर पे तो अभी तक बोलती हूँ, पिक्चर भेजी थी, मुझे तो मना कर रही थी मैं, जो पिक्चर आपने भेजी थी, बट पापा ने बोला कि बुला लो देख लेते हैं। पिक्चर दिखने में बहुत अच्छी, इनकी पिक्चर बहुत बुरी थी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता हाँ। है, दिखने में चिकने होते हैं लेकिन पिक्चर में तो उतने ही होते हैं। पर हाँ, छोड़ो,
तो खैर आप बताओ, जब आपको पता चला शी इज अ टिकटॉकर एंड दैट, तो कैसे रिएक्ट किया खानदान वाले लोगों ने? बोला बहुत वो जो रिएक्शन होगी, एग्जैक्टली जो रिएक्शन होता है वो तो आया था रिएक्शन फैमिलीज की तरफ से, बट मैंने एक दफा मीटिंग की थी मैंने ना इनके फादर से, रिक्वेस्ट करके मुझे एक दफा मिलवा दी, क्योंकि जो आप बोल रही जिस पॉइंट पे आप जा रही ना टिकटॉकर हैं ये, वो पॉइंट आया था। बट जब मैंने मीटिंग की एक दफा वन ऑन वन मीटिंग आपके, फिर मैंने घर वालों को मना लिया। ओके, फिर बच्ची फंस गई, मैंने कहा लड़की वो बच्ची फंस गई, बस फंस गई, अब हमारी बच्ची कहीं नहीं जाने वाली। बच्ची ने तो कुछ पूछा ही नहीं था, मैं बोल रहा था कुछ पूछ लो मुलाकात की भी अब पूछना है तो। नहीं, मुझे कुछ मसला ही नहीं था, बस मैंने बस ये बोलता कि मैं शादी के बाद भी कंटिन्यू रखूंगी, बस क्लियर कर दीजिए इनको पहले से। बताओ अभी तक कंटिन्यू करोगी टिकटॉक? हाँ मैंने किया हुआ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती उसकी वजह से। ओके, तो रिश्ते वाली आंटी ने क्यों सोचा कि इनकी तस्वीर, आपने कोई डिमांड की? यार मैंने कभी भी रिश्ते वाली आंटी से ना बातचीत नहीं की, लेकिन मैंने सुना है कि दूल्हे को ऐसा टेलर मेड बनाते हैं कि लंबा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, मालदार होना चाहिए, इस तरह वाला है ना लड़कियाँ बताते हैं। तो बताओ तुमने किस तरह बताया था इसके बारे में? लाइक ऑफकोर्स आंटी को कुछ तो बताया होगा ना, दैट मॉडर्न होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली मैंने कहा था कि मॉडर्न भी हो ज़्यादा भी ना हो, एक कहते हैं ना सेंटर में, सेंटर लाइन जो होती है वो होना चाहिए, कोई ऐसी खास डिमांड नहीं रखी थी कि इस तरह की डिमांड हो कि इस तरह ना हो कि नाकाब करती हो इस तरह का, इस तरह की कोई डिमांड नहीं थी, पर नॉर्मल होनी चाहिए। तो वो बहुत सारी दिखाई दी, एक अकेली ये नहीं थी, बहुत सारी पिक्चर्स दिखाई दी, बहुत सारी टिकटॉकर्स आई थी, टिकटॉकर्स भी आई थी, आंटी आ गई टिकटॉकर, यार इसके 1 मिलियन 2 फॉलोअर्स, इसके 1 मिलियन 3। उस टाइम मुझे फॉलोअर्स का तो इतना वो भी नहीं था, आपने क्या डिमांड की थी इनके? मुझे बस कुछ याद है आप चाहिए था, एक मिनट टिकटॉक खोलो शायद वहां से ये मैशोर दिखा दे। नहीं मुझे बस ये था कि गुड लुक हो, मेरा मतलब लाइफ पार्टनर ना गुड लुक हो, और तो है ना तभी तो आंखें, हाँ। बस मेरी यही डिमांड थी, बाकी मतलब सूरत अच्छी होनी चाहिए, सीरत मार भी जाए, पेरेंट्स देखेंगे, बाकी चीजें पेरेंट्स देखेंगे, अब बाकी चीजें पेरेंट्स देखेंगे, काफी इन्वेस्टिगेशन जो होती है नॉर्मल फैमिलीज में होती है। और कितना बड़ा का काम है? 25 इतनी जल्दी शादी कर दी? पेरेंट्स तो बहुत पीछे पड़े हुए थे बहुत पहले से, क्योंकि मैं डिले करता रहता था, लेकिन डैड अम्मी की बात माननी पड़ी, फिर डिले होते 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 फिर डिले भी काम करना छोड़ दिया, इतना डिले ना ये कर लो, हम होंगे नहीं होंगे, वो भी एक सारे सिम्टम्स आ जाते हैं फैमिली की तरफ से, वो फिर अब वो, हाँ सास कभी सासू माँ आई है टिकटॉक पर? नहीं मैंने कभी बोला भी नहीं उनको, नहीं वो आना नहीं चाहती, नहीं नॉट एट ऑल, कभी ये आया टिकटॉक पर? बहुत आया हूं, ये तो आए हैं ऑब्वियसली, आते रहते हैं ये तो, मैं इनके साथ ही बनाती हूं, मैं मुझे सोलो अच्छी नहीं लगती। कभी ऐसा हुआ कि इनके कमेंट पर आया माशाल्लाह किसी लड़की, लड़कियां आजकल बड़ा ये करती है माशाल्लाह व्हाट अ कपल, फिर आपके डीएम में कैसे हो, नंबर मिलेगा? मैं इनके पास भी आईडी, इनके लॉगिन, मेरी आईडी, इनके पास भी लॉगिन है, वही तो ब्लॉग मार देती पहले ही। ओके जी लड़कियां मेहरबानी होगी, जितनी भी आप नन्नी मन्नी तस्वीरें भेजती हैं नंबर भेजती हैं इधर आते हैं भाईजान के पास कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे डीएम्स आएंगे छोड़ दो इफ्रा को छोड़ दो, ऐसे भी आए हैं इनके पास, मैंने फिर सुना दी थी मुझे बर्दाश्त नहीं, क्योंकि मेरे पास मैं क्या नाम इनकी आईडी है, तो मैं तो फिर रिप्लाई कर देती हूँ खुद ही, मैं आगे से सुना देती हूँ कैसे मैं कर देती हूँ मैसेजेस अपनी आईडी से। अजीब सा मैसेज आया वो क्या था, नाम भी बता दो हमारा क्या जाता है? नाम तो मुझे नहीं याद है क्योंकि बहुत आते गए। किसी मशहूर टिकटॉकर ने कोई उंगली की हो, मतलब कुछ किया हो? नहीं टिकटॉकर ने उंगली नहीं की थी, रैंडम लोगों ने। ओके हां बताओ सबसे अजीब से जो आपने बोला कि क्या है, स्टोरी डाल दी थी उसकी ना, उन्होंने जो उसकी चैट थी मैंने डाल दी थी। क्या चैट थी? ऐसे ही कुछ उसने बोला था कि अली को मैसेज किया था कि आप इफ्रा को छोड़ दें और वो तो अच्छी नहीं है, आप मेरे साथ आ जाएं, इस तरह की उल्टी सीधी बात की हुई थी। मेरे साथ छोड़ दें, उसको छोड़ दें, मेरे साथ आ जाए, इधर आ जाए, ऐसे ही बोला, उधर नहीं जाए। ये कितनी टाइम लगाती है तैयार होने में? ये क्या क्यों, सच बात बताओ। 2 से 3 घंटे 2 से 3 घंटे कभी ऐसा हुआ बेगम के लिए मेकअप कर रहे हो, बाल सीधे कर रहे हो, फलक बनने की तरह यू नो एक गुलाब दे दिया हो? फिर मेकअप भी किया, एक वीडियो के लिए हमने वीडियो बनाई है, हमने यूट्यूब की मेकअप करा है, बहुत अच्छा ब्लॉग बनाया था उसके लिए। ओके जी
अभी तो हमारा शो तो खैर चलता रहेगा, अभी हम देखते हैं इंस्टाग्राम पर क्या हो रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर काफी चीजें हो रही है, काफी लड़ाइयां भी हो रही है, काफी लोग एक दूसरे के लिए खड़े भी हो रहे हैं, दैट्स प्रीटी गुड। पर लेट्स सी ये कपल क्या कर रहा है, लेट्स गो एंड सी। ओके जी जनाब, सो यस, जिस तरह आप लोग देख रहे हैं, पता नहीं लोगों को क्या हो गया, अलीज़े ने एक गाना बनाया, वो इन्होंने बनियान पहनी हुई थी या कुछ भी पहना हुआ था, उनकी मर्जी है, और पता नहीं दुनिया को पता नहीं चैन नहीं है, और फिर बाद में ऑफ कोर्स उसके जो वार्डरोब था उसके ऊपर भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं लोगों को ये बोलूँगी खुदा के वास्ते, मोमिना उस स्टूड अप एंड विच इज़ अ वेरी ग्रेट मूव दैट यू नो हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। मैं आप लोगों से ये बोलूँगी, अगर आप किसी के लिए बेहतर नहीं कर सकते उसके लिए बदतर भी ना करो, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो आप लोग बताएं क्या बदतर बेहतर हो रहा है आजकल TikTok, वैसे ये तो होता है कि कोई भी कुछ कर दे हमारे ऊपर भी, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते कि हेट मिले हमें, हाँ। इतना हेट मिलता है तो फिर वो तो फिर और भी बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं तो उनको भी इस तरह का हेट मिलता होगा। लेकिन वो है ना एक मसला हमारी कॉम, ज़्यादातर हमारे लोगों में, कॉम नहीं हमारे लोगों में, कि अपने से ज़्यादा दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेयर करते हैं, ये बहुत नॉर्मल हुआ है यहाँ पर सोसाइटी में हमारी। अब देखिए अपने से ज़्यादा वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अगर उसने कुछ ऐसा क्यों कर लिया, ऐसा क्यों पहन लिया, ये क्यों कर लिया। लेकिन तो आजकल के दौर पर कुछ लोग तो उन लोगों को क्या बोलेंगे जो लोग जहन्नम जन्नत के दरवाजे के चौकीदार बन रहे हैं, उनका क्या बोलेंगे, उनको ये बोलूंगा कि वो अपनी जन्नत जहन्नम का फिक्र करें बजाय इसके कि दूसरों का काम अल्लाह पे छोड़ दें, उन पे छोड़ दें, जो वो कर रहे हैं वो अल्लाह देख रहा है, और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें तो पूरा माशरा इम्प्रूव हो सकता है। नाइस। और बताओ भाई बहन कितने हैं, कोई नंद होगी, नंदे दो नंदे हैं, दो नंदे साथ रहती हैं, आपको एक ग्लास चाहिए ये पानी पानी हो रही है, वो मैंने तो कुछ नहीं बोला। खैर मुझे बताए खाना पका लेती है, सब कुछ बना लेती है। क्या आज लाइक रिसेंटली क्या बनाया था, कल ही बनाया, कल क्या बनाया था, हाँ तुरई बनाती, तुरई क्या होती, तुरई क्या होती, सब्जी होती है। और सास को क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता है खाने में, बहू में क्या अच्छा लगता है सास को, मुझ में क्या अच्छा लगता है बताए नहीं कभी, मम्मी को ऐसे डिमांड नहीं है, नहीं पर एक होता है ना सुशील है हमारी बहू, प्यारी है हमारी बहू, हमारी बहू गुरमी है, आपने बोला दैट यू नो डेज बने हुए हैं तो काफी लोग को नहीं लगता, उनको लगता है बहू आई है घर में तो रोजाना उठकर खाना पकाएगी, वो कपड़े भी धोएगी, उसको सब कुछ करना है। तो आप बताएं आप जितने भी यहाँ मर्द देख रहे हैं, क्योंकि बेगमें आज बहुत खुश हो रही है, जितनी भी हाउस वाइफ है बहुत खुश हो रही है, कोनिया मारी अपने मियाँ को सीखो। पर एनीवेज आप बताओ ये नंबरिंग क्या है, नंबरिंग इस तरीके से कि मेरे भाई भी वो मैरिड है तो दिन बने हुए ना, दो भाई और हैं तो उनकी वाइफ एक दिन पे एक दिन वो एक दिन, इस तरह कवर हो जाता है। ओके, बाकी दो दिन ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं जो भी इनको करना होता है, इस तरह मेंटेन रहती है। ओके दैट्स ग्रेट, रूटीन से चल जाता सब। तो कभी भाभियों ने कुछ बोला था यार ये तो बस सोशल मीडिया, लड़ाई में तो निकल आता होगा है ना, अभी तक तो नहीं बोला है, टिकटॉक पर ही होती है, मेरी सपोर्ट बहुत है ना तो अभी तक नहीं बोला है, वो जहाँ पे हस्बैंड की सपोर्ट नहीं होगी तो फिर तो मतलब बिल्कुल आपने हम कोई बोल नहीं सकता, बिल्कुल चाबी नाइसी बिल्कुल जिस तरीके से वो देख रहे हैं ना मुझे समझ में आ रहा है। तो कभी ऐसा हुआ दैट मुझे लगता है ही इज मोर इन लव विद यू, नहीं पहचान पा रही, ये रोज बोलती है आप तो करते ही नहीं है, मैं करती हूँ प्यार, तो ये क्या करें, हाँ बताओ क्या करें, प्यार क्या है बताओ, ये क्या करें, सब कुछ बताओ ना, ये वो करेगा जो तुम बोलोगे, अब तुम क्या चाहती हो वो क्या करें, मतलब ये ना थोड़े से चेंज हो गए, क्या चेंज हो गए, पहले इस साइड पर सोते थे अब इस साइड पर सोते हैं, पहले ये पूरा टाइम मुझे कॉल करते रहते थे, इनके पास टाइम ही टाइम होता था, और मुझे एक बात बताओ घर में पड़ी भी हो तो कॉल क्यों करे लेकिन वैसे टाइम नहीं देता, ऑफिस से आएंगे तो फोन में लग जाएंगे, बेबी ने खाना खाया,
गर्म पानी तो नहीं था बेबी, थोड़ा इस तरह वाला, मतलब तो मुझे आदत है ना, अब ये पहले जैसे थे ना वैसे नहीं है, इन्होंने खुद ही आदत डलवाई मुझे। आप बोल रही है कि ये बदल गए हैं, ठीक है, अब बदलना क्या होता है, क्या बदल गया? मैं भी पूछ रहा हूं, आज आप पूछ रहे हैं। वजन बढ़ गया है आपका, दाढ़ी कम हो गई है, दाढ़ी बढ़ा दी, क्या किया है आपने? ये बस कॉल का टाइम बदला होगा जो कॉल नहीं कर पाता, ऐसी पता है ऐसा आपने बोला, अम्मी के घर जाते नहीं मुझे कॉल, तो आप ऐसा करो ना, ये भी करते हैं ये, अब मैं अम्मी के घर जाऊंगी, नहीं नहीं ये भी करते हैं, अम्मी के घर जाऊंगी ना तो कॉल नहीं करती। हाँ ये एक शिकायत है, अब तो कॉल ही नहीं आती अम्मी के घर, दो दो दिन हो जाते, मैं करूंगी तो अब मैं करती हूँ, मतलब वो चीजें जो ये करते थे वो मैं करती हूँ। हाय अल्लाह, मुझे यहाँ लग रहा है शादी की काउंसलिंग यहाँ मैं शुरू कर सकती हूँ, लेकिन नहीं आप इसकी बात है, तुम ऐसे करो उठो और तुम्हें ना मैसेज पर उसको गुड मॉर्निंग, ये वही जा रही है वही वाला, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग में भी फिर उसको देखो और उसको बहुत सूंगो नहीं, मैसेजेस पर बहुत जानवर, मिस यू सो मच, सूंगो नहीं इसको, ये वाली कंडीशन चाह रही है, आपने गुड मॉर्निंग नहीं। तो आपको क्या लगता है शौहर को कितनी दफा कॉल करना चाहिए? घर पे नहीं है, इनके साथ नहीं है तो कम से कम 3 दफा तो करें दिन में। क्या बोलने के लिए, कैसी हो, हालचाल पूछने के लिए, कैसी हो, ओके पहली कॉल पर कैसी हो, क्या कर रही हो, ठीक है सब सेट है ना तुम्हारे घर पर, दूसरी कॉल क्या होनी चाहिए, बोला आई मिस यू, मैं खुआर हूँ, मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है, अब तुम वापस रिपीट करो, कैसी हो, तीसरी बोले घर आ जाओ, हो सकता है ऐसे, अगर आप चाहे तो खुश कर सकते हैं, आप मना करें नहीं आ रही, फिर मैं वो बोलूंगी आ जाओ आ जाओ, तो ये जाना ही नहीं चाहते, वो काम छोड़ दे, काम छोड़ दे, काम छोड़ के पूरा मेरे आने से काम थोड़ी खराब हो गए, अल्लाह अगर इतना आई मिस यू बेबी चूचू, आई मिस यू बेबी चूचू करती रहे, पहले भी तो काम करते थे, पहले सब कुछ करते थे ना, अभी भी करना टाइम होता है, क्या करते थे पहले जो अभी नहीं कर पा रहे, कॉल करते रहो, पहले तो कोई 5-6 दफा करते थे एक दिन, मेरे तो मैं होता था ना पहले कॉल नहीं उठाती तो मैं लगातार कॉल 1, 2, 3, 4, 5 अब वो नहीं होता, वो चीज हाँ। अच्छा और सुबह ऑफिस जाना होता था फिर भी मुझसे ना सुबह 5-5 बजे तक बात करते थे, और अभी 12 बजे सो जाते हैं कि सुबह ऑफिस जाना है, अब ये डिफरेंस है यार। What is this, Pooja? What is this? वो चीज तो नहीं हो सकती ना, हम क्या करें, वो तुम पांच बजे तक क्यों नहीं जागते, जागो उल्लू बनो, चले 5 बजे तक नहीं 1-2 बजे तक जाग लें, टाइम देते, मुझे टाइम नहीं मिलता इनकी तरफ से, टाइम क्या होता है मतलब क्या घर पर आते, ओके बताएं इनकी रूटीन बताएं। हाँ मैं इनकी रूटीन, घर पे आएंगे हाँ और थोड़ी देर बाद जिम चले जाएंगे, और आएंगे 10 बजे खाना खा के सो जाएंगे। नहीं मैं साथ में ब्लॉग भी बना रहा होता हूँ, सब कुछ कर रहा होता है, भी हो जाता है कोई बात नहीं, इनको जिम जाने दो, सैटरडे संडे तुम इनको सुबह के 5 बजे तक धो, रगड़ो सुबह के 5 बजे सो के नहीं, कॉफी पिलाओ, दोपहर में सोने की बड़ी मुश्किल है, दोपहर में क्यों सोते हैं, वो हमारे बचपन से आदत है दोपहर में, अल्लाह दोपहर में क्यों सोते, मतलब एक बंदा 12 बजे सोता है उसके बाद ये 12 बजे आपकी बेगम एंटी सोना है। हाँ मुझे इतनी नींद नहीं आती, मैं 12 बजे सो के उठते हैं, मैं 3 बजे फिर सोता हूं, सारे टिकटॉकर्स को नींद नहीं आती, उनको हर 2 मिनट बाद उनको फोन पर उंगली होती है, वो बोलते हैं कितने लाइक्स आए हैं, कितने लाइक्स आए हैं, क्या हुआ है हर टिकटॉकर निका आपस में सबसे पहले किया था, सब शुरू हमारे केस में ऐसा, मैं टिकटॉकर नहीं था, अब यहाँ पे तो सभी टिकटॉकर्स आपस में ही करे जा रहे हैं आपस में, जो हमारे यहाँ आई थी डॉक्टर मदीहा और उनके साथ आसन थे, उन्होंने तो बड़ी वो दिखाई थी कि यू नो ये दोस्ती बिल्कुल भाई बहनों वाली, फिर वो हाँ मैंने भी देखी थी, फिर एकदम से शादी हो गई, तो ये शादियाँ एक साथ कैसे हो रही है, मतलब हर अच्छी बात है निकाह करो, अच्छी बात है करो, तो आप लोग भी सिंध का जो एक वो एक लॉ पास हुआ है क्या आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, माँ बाप को जुर्माना हो जाएगा, माँ बाप को जुर्माने से आप लोग ने बचाया, हमारे बेबियों को स्टैम्प सोचेंगे कि उसको फॉलो कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो खैर लोग लेकिन रिलेशनशिप छुपाते क्यों हैं, क्या डर होता है, मैंने ये सुना भी है कि जब लड़की सिंगल होती है तो लाइक्स बहुत ज्यादा, फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होते हैं, शादीशुदा हो जाती है तो फॉलोअर्स कम हो जाते हैं, रिलेशनशिप में होती है, तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं, मेरे तो और बढ़ गए थे,
किससे अब इसके पीछे भी आप ही के पीछे। हाँ ये नहीं, हमारा कपल पसंद है सबको, हम साथ में अच्छे लगते थे, वीडियोस बनाते थे, इसलिए बढ़ गए हमारे तो। हाँ ये चीज ने बताई थी कि शादी के बाद ज्यादा लाइक्स आने, ज्यादा फॉलोअर्स आ रहे। शादी से पहले तो हम लोग इस तरह से हम लोग नहीं थे पब्लिक पे ना, मतलब सिर्फ मैं थी, मैं अकेले ही बनाती। शादी से आगे 10 साल में अपने आप को कहाँ देखती हो? दो बच्चों की माँ, बच्चों के ही आ रहे हैं, कोई बात नहीं, बोलो मैं माँ बनना चाहती हूँ, दैट्स इट। बस यही फ्यूचर होगा, बस इतने बस यही फ्यूचर होगा, बच्चों की माँ छोड़ने जा रही होंगी, लेने जा रही होंगी ये सारी, स्कूल छोड़ने जा रही होंगी, लेने जा रही होंगी। टिकटॉक कैसे बनाओगी? कभी ये टिकटॉक को देखते हुए उसमें देख रही होती है, जब बोलती है मैं जल्दी शादी कर ली, मुझे और चाहिए था टाइम। टिकटॉक देखते हुए दूसरों को मैं ये सोच रही थी कि हम हमारी एंगेजमेंट रहती और हम वो सिचुएशन को भी इंजॉय करते, क्योंकि हमारी एंगेजमेंट बहुत कम रही है। महीने, 8 महीने, इनको बहुत जल्दी थी शादी, इनको बहुत जल्दी थी। कोई पुरानी खातून, पुराने महबूब वापिस आ जाते है ना, हमने देखी आपकी शादी की तस्वीर, मुबारक, ऐसी चीजें आती है। अभी तक नहीं आई वापिस, नहीं अभी तक वापिस नहीं, पुराने तो होंगे ना फिर। और तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कोई सुनील शेट्टी जैसा हो गया? हाँ बताओ बताओ, कुछ नहीं, ये जिस तरह हंस रही है ना, छोड़ दो, गुन्नी औरतें ये। बताओ, नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कभी भी नहीं हुआ। नहीं कोई एक तरफ मोहब्बत करने वाले भी बहुत होते हैं, टिकटॉकर्स के तो बहुत ही होते हैं। एक एक टिकटॉकर आई थी, वो इतनी खुश हो रही थी, लोग मुझे धमकियों के मैसेजेस भेज रहे, वो इतनी खुश हो रही थी कि मैसेजेस भेज रहे होते हैं। मैं किसी टिकटॉकर में ना इतना इन्वॉल्व नहीं हुई हूँ, मैं अकेले, मैंने जो भी किया अकेले किया ना, मैं मीटअप्स भी जाती थी ना कुछ, और मेरी कोई टिकटॉक नहीं होगी किसी के साथ की पहले, सारी नहीं। लेकिन दूर से चाहने वाले तो होंगे ना, ये लड़की बहुत प्यारी है, इस तरह वाली। हाँ वो तो बहुत है ऑब्वियसली। तो कितने रिश्ते आए थे इनसे पहले? बहुत आते थे, फिर बहुत आते, वो मुझे पसंद नहीं आता था कोई। तो भी ऐसा हुआ आप सपनों में, आपको लगा ये तो पकड़ा गया है किसी लड़की के साथ, उठे और ये तो बराबर में, और दिल चाह रहा है। मुझे धोखा दे रहे हैं, और मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने इनका फोन चेक किया, वहाँ पे ना इनकी चैट है, और ये कोई लड़की, इन्होंने दूसरी शादी कर रखी। फिर मैंने इनको बताया, मेरा दिल खराब हो गया था सुबह उठते ही ना, मैंने इनको बताया ऑफिस जा रहे थे उस टाइम। पूछा भी कि ऐसा सच है ये ख्वाब या ऐसे नहीं? हाँ फिर मैंने इनको बोल दिया ऐसा कुछ करिएगा नहीं, मैं नहीं रह सकती इस तरीके से। अल्लाह ये क्या है? तो मुझे बता, ये भी बोला था कि ऐसा कुछ चल रहा है, ख्वाब में ऐसे नहीं आते, कोई ना कोई वजह होती है, ख्वाब ऐसे नहीं आते। ये पूरा दिन से मेरा पिया था एक तरीके से। हम सब आपके साथ है, थैंक यू सो मच, सब आपके साथ है, आप फिक्र नहीं करें, लेकिन स्टे स्ट्रॉन्ग, कुछ निकल ही आएगा। ओके जी, तो आप बताए छुप छुप के कभी मुलाकातें हुई? टाइम ही इतना, 8 महीने में तो हो गई, एक दफा हुई थी, और वो एक दफा, 8 महीने में एक दफा। असल में इनकी फैमिली जो है वो वाइट हिस्ट्री के, खास तौर पे फादर जो है ना तो वो अलाउ नहीं करते, बट एक ब्रदर लॉ ने इनकी करवा दी थी मेरी। ओके, वो यहाँ डिस्क्लोज हो रहा है, मतलब सख्ती से मना किया था, बात आउट नहीं करना, बस वो एक ही मुलाकात कराई थी उसके बाद। तो फिर तो क्या उसके बाद मुलाकात ही नहीं हुई? घर पे आते थे ना, घर पे आते थे तो मिल लेते थे, अलग निकल के मिलना। मैं बोल रहा हूँ जो डिनर पे कहीं चला गया उस तरह का, वो एक ही दफा करवा दिया। मैंने तो बहुत फोर्स किया था, बट इनके फादर अलाउ नहीं। कभी कोई ऐसी हरकत आपने कर ली हो जिससे आप थोड़ा बहुत, एक होता है ना इन लॉज जाते हैं, कुछ ऐसी हरकत हो जाती है, बंदा कुछ थोड़ी बहुत शर्म आ जाती है, मतलब यार कभी कुछ गिर जाता है, बंदा कुछ बोल देता है, ससुर के सामने दोस्तों वाला मजाक कर लेता है। मेरे ससुर जो है बहुत फ्रेंडली है वैसे। हाँ बहुत फ्रेंडली है, इतने तो मेरे फादर भी नहीं, ये तो बहुत रिजर्व रहते हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया ऐसा।
प्यार में यही होता है, किसी एक का पलड़ा होता है ना, हाँ वो भारी होता है और किसी एक का बस अल्लाह मालिक ही होता है। तो यहाँ आप लोग बताएं किसका भारी है, किसका अल्लाह मालिक है। लेकिन जैसे भी ये दोनों बहुत ही स्वीट है, बहुत ही क्यूट है, और इसी क्यूटनेस से हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। हमारे आज के जो एपिसोड है, ये जितनी भी एक होता है ना, ये दिस इज कपल्स थेरेपी, ये कपल्स के लिए बहुत जरूरी है। हाँ नहीं, आपने बहुत अच्छी, नहीं एक एक सच बात बताऊं, यूर यंग, लेकिन आपने बड़ी एक अच्छी चीज कही है दैट यू नो, अगर आप एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, बारी बारी होना चाहिए, किसी एक पर बर्डन नहीं, हाँ बर्डन नहीं होना चाहिए। एंड ये बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जोरों का गुलाम बनेंगे तो क्या होगा लाइक, लेकिन अगर आपकी बेगम किसी चीज में खुश है तो वो तो एक गर्व की बात है कि आप उसकी फीलिंग्स को कैटर करते हो, इज्जत करते हो, और ये बहुत ही एक अच्छी चीज जो आप दिखा रहे हो कि बेगम से थोड़ा डरना भी चाहिए। नहीं डरते, कभी ये गुस्से हुए बहुत डरते हैं, कभी इनके शर्ट जलाया नहीं, नहीं अभी नहीं, वो इस तरी बाहर से हो रही थी, सब कुछ बाहर से हो रही थी। हाँ हाँ, इनकी एग बॉईल करती हूँ मैं इनके लिए, जाते हैं तो उसके वो पानी बहुत जला, बहुत डालते ही सही नहीं हो, क्या मतलब पानी खत्म हो जाता, मुझे पता नहीं चलता, यार एक मिनट, अंडा पुदक पुदक कर अंडा थक जाता है, नहीं मैं ना फोन पे लग जाती हूँ तो ये उस पर गुस्सा करती हूँ, फोन पे लगती हूँ तो भूल जाती हूँ। कहाँ लगती हो फोन पर? बस मैं ये टिकटॉक में ही घुसती हूँ तो मैं निकल नहीं पाती, पे उधर देख लिया वो वीडियो तो बेचारा अंडे की तो शामत इधर से उधर कूद कूद कर कूद फट जाता होगा ना, एक बार फटा है ना, फटे हुए अंडे देते आप, इसका मतलब मुझे बताइए शादी के बाद लड़ाई हुई, पहली लड़ाई कौन सी थी? वो इस तरह होती है कि बातचीत बंद हो जाती है, कैसे ब्लॉक? नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। साथ रहते हुए बात की, जब कोई साथ रहते हुए एक दूसरे को ब्लॉक किया है? नहीं, नहीं ब्लॉक तो नहीं किया, हम वर्बली ब्लॉक कर देते हैं, मुझसे बात नहीं करती, मैं से बात नहीं करता। लड़ाई क्या थी? लड़ाई याद नहीं पड़ रही, लेकिन एक तो ऐसी हुई थी जो अंडे वाली बात हुई, एक बॉयल पे फटे हुए अंडे दे रहा है, बंद कर, नहीं दिए नहीं, उठाया हो गए, मैंने कहा मेरी डाइट चली गई, जिम की बात, फटे हुए अंडे खा सकते हैं ना, फटे हुए अंडे पूरे बढ़िया थे, इतना फाड़ दिया, निकल गए थे बाहर, पूरे निकल गए थे बाहर, पूरा बाहर एकदम हो गया था, पूरा बढ़ गया था, अल्लाह तो पैन काला हो गया था पूरा। दूसरी लड़ाई इसके बाद सॉरी कौन बोलता है पहले? मैं बोलती हूँ, ये बहुत मनाती हूँ, चाहे गलती इनकी हो या नहीं, और दरवाजे पर कौन खड़ा रहता है? एक होता है ना कि कुछ ऐसे कपल्स भी है जो हर दो सेकंड में बोलते हैं, अगर तुम ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे तो मैं जा रही हूँ, नहीं 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 मैं जा रही हूँ, शुरू में मैंने किया ना बाहर बैठ, हाँ बाहर जाके टेरिस में जाके बैठ, टेरिस में अकेले बैठ गया थी फिर शुरू में, एक दो दफा हुआ इस तरीके, अकेले जाके टेरिस में मैं बहुत वो करती थी, स्टार्टिंग में करती थी, वो अंडरस्टैंडिंग का फेस होगा एक तरीके से, बनती है आई एम श्योर, तो हर बंदा आकर कुछ ना कुछ खिला ही रहा होता है, यू नो कभी ऐसा हुआ कि इनके हाथ से खाना नहीं खाना है या कुछ खाने नहीं है? हाँ मैंने, तो आपने बता दिया हो, कुछ ऐसा सीन हुआ है शादी में इनको बता दिया? हाँ क्या बोल रहे हो यार, मैंने खुद ही मना कर दिया, जो इनको रस्म के दौरान आप बोलनी ना, ये वो बोलती थी इनको अली को ही खिला दे, हां मैंने ये इस तरीके से, क्योंकि मीठा मुझे बहुत पसंद है, वो ज्यादा मीठा ही हो रहा होता रस्म में, तो मैं तो खुश, मेरे बदले के इन्होंने बहुत खाया, मतलब आप तो माशाल्लाह, ये जोरू का गुलाम नहीं, मीठा मुझे बहुत पसंद है इसलिए, अच्छी बात है, देखो अच्छी बात है, खातून की फीलिंग्स कैटर करना अच्छी बात है, इवन मुफ्ती स्पायर बैंक सेज दैट इट्स एक्चुअली गुड, एंड ये हमारे रिलीजन में भी है कि बेगम की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो आप बताएं, इशारे आप इनकी समझ लेते हैं? मैं कर लूं, चलो जाओ कर लूं,
अच्छी कर लो भाई मैं क्या करती हूं ये मैं क्या ज्यादा अच्छी क्या नहीं बारी बारी करना पड़ेगा बारी बारी है चले जी नंबर बताएं दिस इज गेस द सिचुएशन कोच नहीं हिलाना और मैं आपको बता दूंगी गाना है ये प्रोवर्ब लेकिन आपको चुप करके बस इशारे करने ठीक है ओके नंबर सिक्स ये मेहंदी शादी की है या ईद की है नहीं आज लगवाई है आज आज लगवाई है क्यों प्यार की मेहंदी है नहीं आएगा आपको यार इशारे तो कर ले पहले चुप चुप इशारे करो चार फोर ये करते ना हाँ पहला ओके चार है पहली उंगली नहीं वो होता ना इंग्लिश में और उर्दू में ये बताना होता ना तो अंग्रेजी मैंने बता दी इट्स इंग्लिश ये होता है ना इंग्लिश गर्मी लग रही है अंग्रेजी में बोलो जो भी है वो अंग्रेजी में है चलो रेड और नहीं तुम भी फील करते हो ये भी फील करती है अब बताओ वो क्या है एक दूसरे की फीलिंग समझते हो अब बताओ वो क्या है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 फील फ्री टू स्पीक क्या हो रहा था ये इशारा क्या पता यार उन्होंने गर्मी बोला हाय 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 कैसे बताओ चलें दूसरा 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 खोलो फाइव नंबर पांच के नंबर खोलो ये बड़ा फनी सा है अल्लाह खैर हो डायलॉग है एक दो तीन चार पांच छह छह वर्ड्स हैं हाँ छह वर्ड्स हैं टोटल मैरिकेशन काउंटिंग करनी है छह वर्ड्स हैं छह वर्ड्स हैं एक दो तीन अब पहला चार पांच छह ठीक है छह वर्ड से पहला बताओ मीठा स्वीट डिश जल्दी 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 कुछ तो करो खाने की चीज है हाँ खाने की बोला है अभी आपने मुंह आपको बंद रखना है मिठाई इसका मुंह बंद कैसे करें स्वीट्स बोल रहा ना आप बताओ इसका मुंह बंद होता है मुंह बंद नहीं होता अल्लाह मुंह बंद कर स्वीट्स हो गया दूसरा अभी बोल देते ये क्या था अल्लाह खैर हो केक वैसे बताओ तुम टिकटॉक पर क्या करती हो ये क्या कर रही खाने की चीज़ है खाने की मिठाई बोल तो दिया आपने अभी खाने का नहीं है आगे का वर्ड है अल्लाह ये हर चीज ब्रेक कर रही है मतलब बात ही कर दो बता ही दो बहन क्या है बता दो बता दो मिठाई का पीस बड़ा टाइट है मिठाई का पीस बड़ा हाँ अब आखिरी आखिरी बस तीन है नहीं तीन है ना आप बताएं कौन से नंबर जल्दी 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 6 5 4 4 4 4 4 चार नंबर खोल लें एंड देयर वी गो आप वो पूरा बोर्ड उसके उसी को धक्का मार दिया ये छोड़ ये खुद ब खुद हो जाएगा जल्दी 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 ये अच्छा है सॉन्ग हो पाएगा आई होप सो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ गाना है बड़े मशहूर लेजेंड का गाना है और बड़ा अच्छा गाना है अब उसको कैसे रिफर करें हर बंदा ये गाना गाता है और इस गाने में एक नाम भी है हर लड़के का नाम बहुत सारे लड़कों का वो नाम भी है करो कुछ तो करो बहन करो ना इधर तो मैं एक झंडा ही गाड़ दूं प्लीज करो ना कैसे करूं यार दो चीजें यहाँ होगी करो ना या टरो ना दो चीजें अब जल्दी से करो इसका तो कोई डांस भी नहीं है क्या करे बंदा नाचना नहीं है इतने दुखी गाने पर कौन नाचता है बहन ये दुखी गाने हैं जल्दी 5 4 सुनो एक मिनट लहरें ये कर ले लास्ट के वर्ड है हाँ चिंगम खाते हो आप हाँ 5 4 3 2 1 साहिल पे खड़े हो तुम
तुम्हें क्या गम है चले जाना, तुम यहाँ खड़ी क्यों हो, वहीं जाकर बैठ जाना। ओके जी, ये क्या था, ये क्या था अन्नी देव, ये था क्या? तुम कुछ कर सकते हो, ट्राई करते हैं, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, ट्राई करते हैं ना। चले जी, आए खड़े हो जाए, ली बोलना नहीं, 1 2 3 बचे। ये आपकी किस्मत है, चॉइसेस आपके पास नहीं है, आपको यही डब्बे खोलने हैं। पहले पहले बता दो कौन से खोलने, 2 खोलने। ओके जी, एक प्रोवर्ब है, ये काफी मशहूर डायलॉग है। हाँ, अब तुम्हें ये इशारा करके बताना है। मुंह नहीं हिलाना, मुंह नहीं हिलाना, मुंह बंद कर देना। डांस, नाचना, नाचने जाने आंगन टेढ़ा। यस यस, क्या बात है, क्या बात। चले ये देखो, आप ठीक हो ले, चले। गोश्त खाती है? ओके, बड़े या छोटा? बड़े का। ओके, बड़े का गोश्त खाती है? गाय, गाय, बकरी। मैंने आपको सबसे मेन चीज बता दी, गोश्त खाती है। इन्होंने हाँ भी बोला। गोश्त, ये कौन है? मुर्गी, चिकन। ये भी बड़ा है। इतना बड़ा क्या होता है? इतना बड़ा कुछ भी हो सकता है। ये क्या? गला। ऊंट? ऊंट नहीं, ऊंट के पर कहाँ से आ गए बहन? खाने की चीज है, खाते हैं हम। मछली? नहीं, मछली कब से, मछली के पर कहाँ से आ गए? मुर्गी, बात बताओ। चिकन? वेयर इज मछली के पर? चितर मुर्गे, चितर मुर्ग। आगे बताओ, मुझे क्या पता। ऑस्ट्रिच आगे। 5 4 3 2 1 सही तो बेस किया तू? नहीं, शुतुरमुर्ग का गोश्त कौन बोलेगा? अब गोश्त नहीं बोली ये। हाँ। गैस कर लिया तुमने। लास्ट, चलो मूव ऑन। खांसी आ रही है, तो खांसी आ रही है। आ हा 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 हा। आंखें, आंखें, आंख, आंख है नहीं है? हाँ, आंख हो गया। आगे, आंख, आंख से देखो, चांद आंख। आंख, एक तो आंख है, सही है। तीसरा क्या है? ये क्या है? जाना है कहीं दूर, जहाज वाली आंख। मोबाइल, ये पता नहीं कौन सी सीक्रेट आंख चल रही है। ये क्या कहता हूँ? 5 तुम चील की नजर। 5 4 3 मैंने इतने अच्छे अच्छे मुहावरे आपको बोल दिए। शैतान की आंख, शैतान की आंख बहन। मैं वो बता दूं, शैतान का तारा किसे हो गया? शैतान, 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 हाय हाय हाय, शैतान। ओके जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, ऐसा हो जाता है। दो गेस किए तो मैंने अच्छा परफॉर्म किया था। अली, यू परफॉर्मड वेल, अच्छी बात है, दैट इज गुड। एंड आपने बस गेस किए और गेस ही किए इधर आ गए, बड़े मुश्किल से। ओके जी, दसो दैट, कुत्ता या बिल्ली? अच्छा, बिल्ली। कंप्यूटर गेम्स या वीडियो गेम्स? वीडियो गेम्स। ससुराल या मायके? ससुराल, ससुराल। ओ, नंद या बहन? बहन। नंद नहीं, भाभी या नंद? भाभी, भाभी। हाय हाय हाय, ये या भाई? भाई कौन? भाई है आपका? हाँ हाँ, तो इतनी हैरान की हो गई, भाई कौन? मुझे रिमाइंड करना पड़ा कि भाई तुम्हारा भाई है। हाँ, ये ओके। टिकटॉक या अली? अली। इतना सोच कर जवाब दिया, आधा तो जवाब ही नहीं दिया, ही मतलब इसी पर चला गया। कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं, सोचने में टाइम लग जाए। नहीं, ओके। फेम, टिकटॉक के 10 मिलियन फॉलोवर्स, बहुत सारा पैसा,
बहुत सारी शौहरत या अली? अली। Are you sure? Sure. Are you sure? ये इसने बहुत यार छोड़ो यार उस तरफ पहुंच जाएगा नहीं होने वाला अली अली जो हो गया है वो ही जाओ ओके जी तो अकाउंट बंद कर दो बंद कर दो डिलीट हाँ ये बोलेंगे तो कर दोगी नहीं चाहिए ना किस काम का है ना फजूल में इंस्टाग्राम पर बैठे रहो टिकटॉक पर बैठे रहो हाँ पसंद नहीं तो कर दूंगी कर दो तुम बोलो इसको बंद कर दो अकाउंट डिसेबल्ड कर दो 30 दिन बाद खोलना टिकटॉकर हमारे शो पर बैठकर अपने हस्बैंड के प्यार के खातिर में अपना इंस्टाग्राम में टिकटॉक डिसेबल करने वाली है जिसके 8 लाख फॉलोअर्स है अब देखते हैं क्या ये डिसेबल करेंगी या हस्बैंड की छोटी सी फरमाइश को यूं छोड़ देंगी छोटी फरमाइश नहीं है ये बहुत बड़ी फरमाइश है कौन सा वाला बता दो ना कौन सी जगह का पूछ रही है यहाँ पर कराची में सिनेमा नहीं कौन सा सिनेमा हॉलीवुड लॉलीवुड तेलुगु वुड टॉलीवुड लॉलीवुड भी बॉलीवुड भी चलेगा हॉलीवुड भी ओके ओके लव योर मनी लव सोचा अभी बराबर में से जा रहे हैं पैसा आएगा तो देख लेंगे ओके पप्पियां या जप्पियां दोनों का ऑप्शन नहीं है एक ही लेना है हाँ एक ही सेलेक्ट करना है दो चीजें नहीं मिल सकती दुनिया में पप्पियां जब हम साइड की तरफ जा रहे हैं तो एक साइड होने वाले हैं और वो ये है हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक ब्रेक के बाद वापस आएंगे स्टेशन लेकिन उसके अंदर एक वो होता है ना जेलसी नजर आने लगी हो क्या आपने बोला यार इसको क्या हो गया डोरे डालने लगी हो अली भाई अली भाई अली भाई करते करते नहीं मैंने इनके करीब ही नहीं आने दिया किसी को लगाती नहीं मेरी मैंने सबको दूर ही रखा है हां ये है ना नहीं मैंने कभी मुलाकात ही नहीं करवाई लगाती नहीं इनकी फ्रेंड दूर रखा है सबको मुझे पहले ही शक था किस पर शक था दोस्तों आप पे नहीं था दोस्तों पे था ये ऐसा करती है ना अक्सर लड़कियां हाँ, क्या करती हैं फ्रेंड्स को दूर रखना चाहिए फ्रेंड्स को हाँ वरना वो हीरामानी वाला सीन भी हो सकता है एग्जैक्टली दूर रखो इतनी दोस्ती नहीं रखो लेकिन यार ऑनेस्टली आई थिंक मानी इज मेड फॉर हीरा एंड हीरा इज मेड फॉर मानी तो चाहे वो किसी और तरीके से मुलाकात हो जोड़ियां तो ऊपर ही बनती है बस इधर उधर दुनिया में हो जाती हैं तो ऐसा कभी हुआ आपने बोला गुस्से में कि मुझे तो तुमसे भी बेहतर मिल जाती या मिल जाता कभी ऐसे डायलॉग हुआ नहीं अभी इतना टाइम नहीं हुआ है ना तो शादी का ओ ये बाकी है ये स्क्रिप्ट कुछ 1-2 साल बाद आएगी बाद में होता लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ चलो आप बताएं आपको कौन सा रंग पसंद है लाल या पीला येलो डर्टी फेलो ओके तो और आप लाल होंगे ठीक है तो आपको आता है गोटियों के साथ खेलना ये उसको उधर देना होता है ना जितनी हमारे पास येलो होती है येलो खत्म करनी होगी ना मुझे हाँ आपको खत्म करनी होगी आपको तो और आपको ब्लॉक करनी होगी और आपको उसको उधर देना होगा अब देखते हैं आप लोग इधर दोस्त बनते हो या आप लोग की गोटियाँ किसको ज्यादा मारती है ये मुझे नहीं पता बट एनीवेज विदाउट वेस्टिंग अ मिनट हम जल्दी से जाएंगे और देखते हैं कि ये प्यारा सा कपल राइट नाउ हम ऑपोजिट में डालेंगे और ये लोग खेलते कैसे हैं सो यस लेट्स गो आई आई पीली तो ये थी ओके जी रूल ये है कि अगर ये गोटी यहाँ आ गई आप वापस इसको नहीं डाल सकते ठीक है सो यस जो गोटी बाहर है उसको बाहर रहने दो मुझे यहाँ से ओके 3-2-1 स्टार्ट ओह गॉड दोनों के निशाने पता नहीं हवा में चल रहे हैं गोटी हर जगह जा रही है बस उस जगह पर नहीं जा रही जहाँ उसको जाना चाहिए ओह शुक्र एक एक पहुंच गए
बेगम ने एक स्कोर कर दी और क्या हो गया भाई स्कोर कर की हो या पुत्र स्कोर कर इथे में होल इथे ये देखो अबे क्या यार ये क्या बात है जल्दी बेगम तो ठीक ठाक स्कोर कर रही है दैट्स वेरी नाइस नहीं नहीं ये वाले तो चीटिंग ओए होए होए यार आखिरी गोटी होने वाली है और आपकी एक भी गोटी नहीं निकली बाहर इनको गोटियों से खेलना आता है आप तो छोड़ ही दे मैं खेलती हूं आप खेलती है गोटियों के साथ ये नहीं खेलते चले जी कोई बात नहीं यार इन्होंने सारी गोटियां खत्म कर ली और इन्होंने तो वादा किया था गई है लेकिन आपको अपनी गोटी से खेलना आता नहीं है ये आप चली गई है नहीं नहीं एक जाने से क्या होगा इतनी सारी गोटियों में आपने एक मार ली बराबर हो गया ना क्या बराबर हो गया इसने तो पूरा साफ कर दिया आपको आपकी गोटियां हर जगह जा रही थी उस जगह नहीं जा रही थी जहाँ जाने चाहिए हाँ चले आ जाए बैठ जाए चले जी इधर तो नजर आ गया बेगम बहुत तेज है और बहुत ही अच्छी तरह खेल लेती है मुझे लगता है सारा गेम यही खेलती है ये बहुत खेली होती गेम मोबाइल हाँ आप बस बैठे हुए होते हैं फिर भी बैंक पैसों में कुछ ऐसा तोहफा मांगो जो आपने बोला क्या हो गया भाई ब्रेक से शादी नहीं की मुंह दिखाई क्या दी थी रिंग ओके और तुमने क्या दिया था मैंने कुछ नहीं दिया ये क्या बात है मैं बोलती हूँ अगर औरत मुंह दिखा रही है बंदा भी मुंह ही दिखा रहा है ना दोनों के मुंह ही देख रहे हैं ना अब वो पूरी रात मुंह देखते रहे या क्या करे हमें क्या लेकिन देना तो चाहिए ओके जी सो यस यूट्यूब पर भी आप लोग हो बिल्कुल कितने लोग है आपके पीछे 40 आता है वो हमारी वीडियो पे डिपेंड करता है हम बहुत सारी डालें तो अलग अलग भी आई थी अभी क्योंकि इस लेवल पे नहीं है ये अभी 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 मैंने ये यूट्यूब तो मैंने शादी के बाद स्टार्ट किया इतना यूज नहीं करती थी मैंने वहां क्योंकि हाँ वो उस पे लेकिन टिकटॉक से आप अर्निंग कर रही है कुछ नहीं उसके थ्रू बहुत चीजें आ जाती हैं बट टिकटॉक से नहीं जैसे क्या लाइक कैंपेन्स वगैरह मिल जाती हैं इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम के कितने फॉलोअर्स हैं मेरे 240 लाख हैं कान बंद होंगे मेरे कहूँ ठीक है अब कौन अपने कान पहले बंद करना चाहेगा इसके हाथ में मैं कर देती हूँ चलो जी होठ पढ़ना आता है आप हो धोबी ठीक है और इन्होंने आपको पैसे कम दिए हैं तो आप ऊपर आए हो अपने बकाया पैसे लेने के लिए अब आप एक्टिंग करो बैठे बिठाए बोल तो सकते हैं हाँ बोलो कुछ भी करना है कर लो बाजी ये आपने सुलवाया था और अभी तक आपने इसके पैसे नहीं दिए कम दिए पैसे वो भी कम दिए पैसे पैसे कम दिए हैं 100 की जगह 50 रुपए दिए हैं पूरे पैसे देने में पूरे पैसे पैसे दो वो है आप वो पैसे दो हाँ वो है वो नहीं पूरे पैसे दे दें कर्जा लेना है कर्जा है कर्जेदार है कर्जेदार इसको बोलना यू हैव टू मेक अ कॉमिकल के ये इसको समझ में नहीं आए हाँ आप तो प्लेट में दे रहे हो इसको इतना नहीं प्लेट में दे क्या हुआ धोबी है पैसे मांगे जा रहे चले कोई बात नहीं हो रहा और ये आपसे पैसे बकाए लेने आए थे धोबी बोला तो था मैंने लेकिन आपको पूरी सिचुएशन बतानी थी ना कैरेक्टर तो बता दिया था हाय लव ऐसे करती मियां से चली जाती हूं आप डिसाइड कर लो कैसे शो होगा वापिस बंद करें अपना कान बंद करें ठीक है नींद की गोली आपको इनको बताना है इशारे नहीं करना बस होठ हिलाने
नींद की गोली। ना इशारे क्यों कर रहे हो भाई, लिप सिंक करो। बेगम के सामने होठ ही हिल भी नहीं, आवाज भी नहीं आती, हाथ ही हिल रहे होते। गाना गा रहे, डायलॉग वर्ड है, बोलो भाई आवाज नींद की गोली, नींद की गोली। हाँ, नींद की गोली पकड़ लिया ना, नींद की गोली। हाँ आय हाय, ओके चलो वर्ड बोल रहे थे, बताओ ना। चले तीसरा, तीसरा। मुर्गी का अंडा बोलो। मुर्गी का अंडा, मुर्गी का भाई, मुर्गी। अच्छा अच्छा, इशारा नहीं कर रहा, इशारा नहीं कर रहा। ये कौन से शौक है आपको, शौक है क्या आपके हाथ बांधे जाए, आपको ये शौक है क्या? मुर्गी का अंडा, मुर्गी का अंडा। हाँ, हाँ, और मैं दूंगी आपको डंडा क्योंकि आप यूं कर रहे हैं। सही है, कैसे बात इनको दे दे, दे दे। हाँ जी, अब जल्दी से, ओके, आपको बोलना है पैंट कोट, पैंट कोट। हाँ, पैंट कोट, पैंट कोट, पैंट कोट, पैंट कोट, पैंट कोट। इशारा नहीं कर सकते ना, तो ऑफ कोर्स नहीं समझ में आएगा। पैंट नहीं करूँ ना, इशारा नहीं, इशारा नहीं करूँ ना। पैंट, हाँ, पैंट, पैंट कोट, कोट, पैंट कोट, पैंट कोट। मैंने इशारे किया था, इशारे कर रहे हैं, पैंट कोट था। आप दोनों को वो वाले गेम अच्छे लगते हैं जहाँ हाथ पैर बांधे जाए और फिर बस छोड़ो। पैंट कोट, हाँ, पैंट चलो चले। यार नहीं किया मैंने, जा बारिश की खुशबू, बारिश, बारिश की, बारिश के की, कत, बारिश के की, बारिश की खुशबू, खुशबू। वेरी नाइस, वाह 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 वाह, क्या बात है, पगले रुलाओगे। हाँ हो गया, ग्रेट, हाँ हो गया जी, गुड हो गया, गुड हो गया जी। हाँ, दोनों के हाथ पैर सब चल रहे थे। हमारे यूट्यूब चैनल को अब आप लोग सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम वहाँ पे बहुत एक्टिव हैं। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो कि नाम है ओ माई इफ्रा वर्ल्ड से। इसके अलावा मेरी आईडी इंस्टाग्राम पे ali.khan.mohabbas को भी सब्सक्राइब कर लें। इफ्रा की आईडी तो इफ्रा.now आपके नाम से है ही, लेकिन YouTube को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और आगे शेयर कर दें और घर तक पहुंच जाएं, घर तक पहुंच जाएं, बस यही बाकी है। बस थैंक यू सो मच, आपका बहुत ही मजा आया, इट इज़ रियली लवली, आई हैड फन एंड यकीनन आप लोग को भी मज़ा आया होगा। एंड मैं आप लोगों से एक और बात बोलना चाहूँगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वैक्सीनेशंस ओपन हो गई है, 18 प्लस की वैक्सीनेशंस ओपन हो गई है कोविड के लिए, जाएं अपने आप को वैक्सीनेट करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है यार। आप लोग जो एक दिमाग में एक मिथ बनी हुई है कि वैक्सीनेशंस आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, दैट्स ऑल लाइज, प्लीज़ गो, आई एम वैक्सीनेटेड, यू शुड बी वैक्सीनेटेड ऑल्सो। सो यस, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान, बाय बाय।